नमस्कार सभी का मेरे बढ़ाने का काम कर रही है और बहुत ज्यादा डिमांड में वो अचानक से आ गई है बहुत ज्यादा एकदम से क्लेम किया जा रहा है कि ये क्रिटिकल केसेज में भी ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने का काम कर रही है आज हमने चर्चा करनी है एस्पिडोसपर्मा टिंक्चर पे या टिंग होम्योपैथिक टिंकर यूज किया जाता है उन केसेस में जहां पे पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा हो जहां ऑक्सीजन की कमी आ रही हो बॉडी के अंदर या फिर पेशेंट सांस ना ले पा रहा हो उन सब केसेस में एस्पिडोस परमा टिंचर दिया जाता है इसको इसमें कहा जाता है कि ये रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेटर है और ये रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको स्टिम्युलेट करता है और जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है और कार्बोनिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है ये जो टिंचर है ये होम्योपैथी का बहुत ही पुराना टिंचर है और ये अचानक से इतना डिमांड में इसलिए आया है क्योंकि अचानक से जो situation, situation जो से जो जो सिचुएशन सिचुएशन क्रिटिकल क्रिएट क्रिएट हो हो है है पैनिक रखा कोविड की वजह उसमें ये काम आ सके देखिए आज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि एस्पिडोस एस्पिडो टिंचर जो है अच्छा काम कर रहा है लेकिन सब केसेस में वो सुटेबल नहीं होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन किन केसेस में ये इफेक्टिव रह सकता है और किन किन केसेस में ये आपको नहीं लेना चाहिए या फिर आपको अंडरटेकिंग एक डॉक्टर का लेना पड़ेगा या फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई देनी ही पड़ेगी तो जो परमा टिंचर है अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में हैं और आपको माइल्ड निमोनिया है और आपको जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है यानी एसपी ओ अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं अगर वो आपका नाइन्टी से माइल्डली डिक्रीज हुआ है तब आप परमा को ले सकते हैं लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन चला गया है अगर आपका सेवनटीज़ में है या एटीज़ के अंदर है तो आप कृपया करके अपने डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही या डॉक्टर के प्रस्क्रिप्शन पे ही आप एस्पिडोर्मा टिंचर को लीजिए आपने ऐसे रिपीटेड जो वायरल पोस्ट हो रही है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेडिसिन औरों के लिए सूट हुई हो वो आपको भी इक्वली सूट होगी क्लेम किया जा रहा है मैसेजेस में फॉरवर्डेड मैसेजेस में कि ये जो मेडिसिन है ये आपका जो ऑक्सीजनेशन लेवल है वो सडनली बढ़ा देगी साठ से नाइन्टी या नाइन्टी कर देगी ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ऐसा किसी भी डॉक्टर ने क्लेम नहीं किया है कि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है और उसके बाद आपको इस मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा इसलिए आपने ध्यान ये देना है कि आप जो भी मेडिसिन लेंगे मैं ये कहती हूँ कि हाँ होम्योपैथी में ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने का काम करती हैं बट इट डजेंट मीन कि जो मेडिसिन आपको सूट हो रही है वो किसी और को भी इक्वली सूट होगी इसलिए आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं अपने डॉक्टर की अंडरटेकिंग में ही लीजिए अपने अपने आप फैमिली फिजिशियन अपने आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट के टच में रह कर ही आप मेडिसिन लीजिए आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए क्योंकि जहाँ पे एक्चुअल में क्रिटिकल केस है और जहाँ एक्चुअल में ऑक्सीजन सप्लाई का नीड है उसका ऑल्टरनेटिव कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं हो सकती साइंटिफिकली हमें बात करनी है हमें ये नहीं कहना कि हम होम्योपैथी जो है मरैकल ज़रूर करती है पर इट डजेंट मीन कि हर पेशेंट को वो इक्वली रिजल्ट्स दे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने समझदारी से काम लेना है आप मेडिसिन लीजिए लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं और उनमें समहाउ आपका थोड़ा डाउन जा रहा है ऑक्सीमीटर में जो आपका रीडिंग है ऑक्सीजन सेचुरेशन का उसमें ले सकते हैं आप परमा लेकिन सब केसेस में नीड नहीं पड़ रहा है मेरे पास कुछ पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दे आर हेल्दी उनको कोई कोविड रिलेटेड सिम्टम नहीं है लेकिन प्रिकॉशनरी वो परमा टिंचर लेना चाहते हैं देखिए एस्पिडोसपर्मा एक टिंचर फॉर्म में मेडिसिन है यानी रॉ फॉर्म ऑफ दी ड्रग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते रॉ फॉर्म ऑफ मेडिसिन है इसलिए आपको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसलिए अगर आपको नीड नहीं है पर्टिकुलर मेडिसिन का तो कृपया करके उसे मत लीजिए एस्पिडोसपर्मा उन पेशेंट्स के लिए है जो इस तरह का सिम्टम शो कर रहे होंगे जो भी वायरल पोस्ट है कृपया करके आप उस पर ज़्यादा ध्यान न दें और अपने डॉक्टर के अंडरटेकिंग में ही आप मेडिसिन लीजिए मेडिसिन इफेक्टिव है आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं लेकिन अगर आप फिजिशियन के अंडरटेकिंग में लेते हैं तो उसके साथ होम्योपैथी की और है, वो ही आपके को मेंटेन कर देगी। बहुत इंपॉर्टेंटली आजकल बताया जा रहा है प्रोनिंग पोजिशन में लेटना अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन जा रहा है तो आप प्रोनिंग पोजिशन में लेटिए आप उल्टा लेट सकते हैं जिससे आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल ऑटोमेटिकली भी बढ़ेगा और आप

और जो मेडिसिन है एसपिडोस्पर्मा ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई का ऐसा नहीं है कि जिस जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको ऑक्सीजन का नीड है उसको ऑक्सीजन हटा के या ऑक्सीजन का अल्टरनेटिव के तौर पर एस्पिडोस्पर्मा 20 ड्रॉप्स दिया जाए और वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है इसलिए आपने रिलैक्स रहना है अपने डॉक्टर के अंडरटेकिंग में रह के अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन को बढ़ाने का काम करती हैं तो आपके फिजिशियन आपके पेशेंट की कंडीशन देख के उसकी कंडीशन पूछ के उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर जहाँ पे भी बात आती है क्रिटिकल केयर की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के टच में रहें आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल थैंक यू सो so मच नमस्ते